नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करेंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी के करेंट अफेयर बुलेटिन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसका शीर्षक हमने दिया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में के अनुसार विश्व के 30 शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है, आपके लिए क्वेश्चन यही है। तो विश्व के 30 पोल्यूटेड टाउन में भारत के 21 टाउन शामिल है। भारत के 21 शहर इसमें शामिल है। अब दूसरा, और इसमें दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद जैसे टाउन भी शामिल है जो बेहद ही ज़्यादा पॉपुलेटेड टाउन की श्रेणी में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेथ, जिसका हमने शीर्षक दिया है हाल ही में एक देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, एक्स प्रेसिडेंट का निधन हो गया है, जिनका नाम है हुस्नी मुबारक। तो ये किस देश के एक्स प्रेसिडेंट थे? तो ये मिस्र के एक्स प्रेसिडेंट थे, मिस्र के ये थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर, भारत का बेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर अमेरिका को पछाड़, चीन को पछाड़ कर कौन बना है? तो वो बना है अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका एक दूसरे का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। पहले अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना था, अब अमेरिका का बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर इंडिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसरो से संबंधित। हाल ही में इसरो ने एक सैटेलाइट के लॉन्चिंग की घोषणा की है, उस सैटेलाइट का क्या नाम है? तो उस सैटेलाइट का नाम है GISAT-1। इसकी लॉन्चिंग डेट जो है वह 5 मार्च रखी गई है और वह यह जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है इसरो, जब जब इसरो की चर्चा होती है हम इसका आपको फुल फॉर्म बताते हैं, इसकी स्थापना कब की गई ये आपको बताते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है। तो चलिए एक बार फिर से हम इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में अवस्थित है और इसके जो चेयर पर्सन है उनका नाम है डॉक्टर के शिवान और इसके फर्स्ट चेयर पर्सन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग से संबंधित है। हाल ही में नीति आयोग का SDG पर सम्मेलन हुआ, तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन हुआ गुवाहाटी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं सभी इस सम्मेलन में हिस्सा लिए। अब जो नीति आयोग है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। SDG का भी हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं, SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसी पर आधारित था नीति आयोग का सम्मेलन जिसका आयोजन 24 से 26 फरवरी के बीच में गुवाहाटी में किया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी चीफ मिनिस्टर ने भाग लिया। अब यहाँ पे नीति आयोग है तो नीति आयोग से जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नीति आयोग, ये हिंदी में कहिए या फिर अंग्रेजी में कहिए, नीति आयोग को हिंदी में भी हम नीति आयोग लिखेंगे, अंग्रेजी में भी इसका मतलब नीति आयोग ही है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जब बताएंगे सिर्फ, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले आपने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा, योजना आयोग का नाम सुना होगा, अब उसी के स्थान पर नीति आयोग है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जब आपको
ट्रेडिशनल जीके की क्लास पढ़ाई जाएगी तो उसमें भी इसकी चर्चा की जाएगी। उससे पहले इसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में हम अभी भी आपको बता देते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 को, और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके जो वाइस चेयर पर्सन है वो अभी राजीव कुमार है, लेकिन इसके फर्स्ट वाइस चेयर पर्सन जो थे वो थे अरविंद पनगरिया। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से आएगा कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और योजना आयोग नहीं, सॉरी माफ करिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया, नीति आयोग के अभी के जो उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एनआरसी से रिलेटेड एक रिजोल्यूशन पास किया गया है, तो यह किस राज्य में पास किया गया है? हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो ये बिहार में पारित किया गया है। सीए पर पहला प्रतिबंध, सीए के खिलाफ पहला रिजोल्यूशन लाने वाला राज्य केरल है, और एनआरसी पर पहला राज्य बिहार है। और एनआरसी में किसकी सरकार है? तो एनडीए की सरकार है। तो एनआरसी पर एनडीए सरकार के द्वारा पहली बार यह रिजोल्यूशन पास किया गया है बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, और बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह रिटायरमेंट से संबंधित है। हाल ही में एक खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, और जिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा की है वो टेनिस से संबंधित है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मारिया शारापोवा, महिला खिलाड़ी है, 32 साल की उम्र में इसने रिटायरमेंट की घोषणा की है, और अभी तक यह 5 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत चुकी है। 5 बार कब जीती है? तो ये पहली बार जीती थी 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2012 में और 2014 में। 5 ग्रैंड स्लैम जो इसके खिताब इसके नाम दर्ज है। अब जो 3 क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, यह 2013 में BA सोशल साइंस के एग्जाम में पूछा गया करेंट अफेयर और ट्रेडिशनल GK का क्वेश्चन है। तो इस सूची में 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, हु एमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था SC बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज इन्हीं के द्वारा गठन किया गया था, और जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था। अब और इनके द्वारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज द 2.5 दिन का झोपड़ा सिचुएटेड? 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है? तो ये अजमेर में अवस्थित है। 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2.5 दिन का झोपड़ा कहां अवस्थित है। उसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में हुआ था, और इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। मोहम्मद गोरी ने इसके निर्माण का कार्यभार सौंपा था कुतुबुद्दीन ऐबक पर, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण करवाया था। अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे बार बार आपके इंट्रेंस में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ख्वाजा मुजीउद्दीन चिश्ती की दरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये भी राजस्थान में अवस्थित है, और राजस्थान के अजमेर में अवस्थित है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, वो क्वेश्चन ये है कि बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? तो बुलंद दरवाजा भी राजस्थान में अवस्थित है, और राजस्थान के अजमेर में अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ तुजुक ए बाबरी? आप याद करिए, जब ट्रेडिशनल GK की क्लास चल रही थी तो उसमें इम्पोर्टेंट बुक्स एंड इट्स ऑथर में हम इसके बारे इस बुक के बारे में आपको बताए थे। तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार आपसे पूछा गया था कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, दूसरी दफा पूछा गया था तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो ये फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, और ये इसके लेखक हो गए
बाबर। इसके अलावा भी बाबर ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है, उस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बाबरनामा किसकी पुस्तक है, तो बाबरनामा के रचनाकार हो गए बाबर। और बाबरनामा फारसी में नहीं लिखा हुआ है, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब हम आपसे विदा ले, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है जापान, दूसरे क्वेश्चन का मनोज कुमार और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है कुआलालंपुर। तीन के तीन प्रश्नों का सही जवाब दिया है विशाल गौरव ने। और आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे है विशाल गौरव। विशाल गौरव को ढेर सारी शुभकामनाएं सह धन्यवाद। आप इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए ताकि आपका सपना जो है बीएचयू में आने का वह पूरा हो सके। तो आज हम फिर आपको छोड़े जाते हैं तीन प्रश्नों के साथ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है मिस्र की राजधानी कहाँ है, मिस्र की राजधानी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन CAA का फुल फॉर्म क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा है CAA, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है बाबरनामा बाबर के द्वारा किस भाषा में लिखा गया है। इस तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।